फ्रेंड्स, विंटर की ठंडी ठंडी मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है तानिश दीप चैनल पर। तो आज है 4th of December और अभी बजे सुबह का 8:30। तो सुबह से मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं सुबह उठ के अपना चाय वाय पी लिया क्योंकि हस्बैंड घर पर है, तो मॉर्निंग का टी हम लोगों ने पी लिया। अभी बनाना है ब्रेकफास्ट। तो चलिए ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ आपसे शेयर करूँ। पूरे साल में हमारे घर में जो जो चीज कुछ चीज नहीं बनता है जो कि विंटर में बनेगा ही बनेगा, वो शायद आप लोगों के साथ भी होता है। जैसे विंटर का कुछ स्पेशल स्पेशल खाना होता है जो हर एक के घर में बनता है। हम बंगाली के घर में तो हमेशा ही बनता है, मतलब विंटर आए और ये चीज ना बनाए तो विंटर के साथ नाइंसाफी करना हो जाता है। तो ऐसे ही एक रेसिपी है कड़ाई शूटी की कचौड़ी, जिसे मटर की कचौड़ी भी कहते हैं। तो ये मटर की कचौड़ी बनाना बहुत ही इजी है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। मैं आलू के सब्जी के साथ ये मटर की कचौड़ी बना रही हूँ। आलू का सब्जी का मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो दूसरे एक दिन मैं दिखाऊंगी। लेकिन ये कचौड़ी मैं कैसे बनाती हूँ वो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत लोगों को इसको बनाने का रेसिपी आता है, बहुत लोग अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन मैं जैसे अपने स्टाइल में बनाती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। पानी थोड़ा सा गर्म होते ही उसके अंदर मैंने डाल दिया मटर, छिला हुआ मटर। अभी मटर को मैंने 2-3 मिनट तक इसे बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, जस्ट सॉफ्ट हो जाएगा मटर उतना तक करना है। जस्ट 3 मिनट तक मैंने इसे बॉईल किया। 3 मिनट के बाद मैंने इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर दिया उसका सारे पानी। अब इसे ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी। दूसरे साइड में मैंने ले लिया है मैदा। मैदे में मैं मिला रही हूँ नमक, थोड़ा सा चीनी, एंड 1 टेबलस्पून करीब ऑयल। तो ये तीनों चीज दे के मैदे को अच्छी तरह से सूखा ही पहले गूंदना है, फिर मैं वार्म वाटर से मैदे को अच्छी तरह से गूंद लूंगी। देखिए मैदा ऐसे मैंने गूंद के तैयार किया है, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड। अभी इसे ढक के मैं आधा घंटे के लिए रख दूंगी। अभी देखिए मटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे एक मिक्सर जार में रख रही हूँ। फिर उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, एंड थोड़ा सा चीनी। ये डाल के मैं इसे एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। और मैंने लिया है अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट मैंने 1 चम्मच लिया है। उसके अंदर मैंने जीरा पाउडर मिला रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं मिला रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी के साथ मिला लीजिएगा, मिला के एक पेस्ट बना के रखिएगा। अब देखिए पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया। तेल गरम होते ही मैं उसके अंदर डालूंगी कालंजी, जिसे काला जीरा भी कहते हैं। थोड़ा सा कालंजी मैं डाल रही हूँ गरम तेल में, साथ में डाल रही हूँ हींग। हींग इस रेसिपी में ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि हींग का एक स्मेल आता है बहुत सुंदर सा, वो बहुत अच्छा लगता है ये कचौड़ी में। फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था अदरक, जीरा और धनिया पाउडर का, वो पेस्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तेल में डाल के इसे 30 सेकेंड तक ऐसे भूनना है।
फिर मटर का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो भी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से चलाना है जब तक मटर में से पानी सारे सूख ना जाए। सिर्फ यही एक प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेशेंस के साथ आप इसे चलाते रहिएगा क्योंकि ये इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए बहुत ज़्यादा पानी सूख गया है मेरा चलाते हुए। अब और भी ज़्यादा थिक हो गया है ये पेस्ट और ये डो जैसा बन जाएगा, बिल्कुल एक सॉफ्ट डो जैसा ये बन जाएगा। जब ये कढ़ाई में नहीं चिपकेगा देखिए कुछ ऐसा, तब आप समझ लेना कि ये अभी तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक कटोरी में रख रही हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। देखिए ये देखने में कुछ ऐसा हुआ है और मेरे अब साथ में जो आलू का सब्जी मैंने बनाया वो भी रेडी हो गया है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया और मैदे का छोटा छोटा गोल गोल करके पेड़ा बना के रख दिया। अब एक पेड़ा लेके मैं उसको कटोरी के शेप में बना रही हूँ। अब देखिए उंगली के मदद से साइड से दबा के ऐसे कटोरी का शेप इसे देना है कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर मैंने मटर एक चम्मच दे दिया, मटर का पेस्ट मैंने एक चम्मच दे दिया। देखिए इसका मुंह अच्छी तरह से बंद करना है। थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा लेके ऊपर से प्रेस करते हुए उंगली की मदद से कुछ मोमो जैसे बनाते हैं उस टाइप से मैं इसे बना रही हूँ। कोशिश करिएगा कि अंदर का फिलिंग बाहर ना निकल आए। अब इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेल लेना है, पूरी के शेप में इसे बेलना है। मैं बहुत ज़्यादा गोल नहीं बना पा रही हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा गोल करके इसे बनाएं और साइड से फिलिंग्स बाहर ना निकल आए। तेल गरम होने के बाद मैं इसे तलने के लिए अभी डाल रही हूँ। पूरी जैसे तलते हैं कुछ इसी तरह से इसे भी तलना होता है। देखिए ऐसे एक एक करके सारे कचौड़ी मैं तल रही हूँ। कुछ ऐसे ही मैं ये कचौड़ी बनाती हूँ, आप लोग भी इसे घर में जरूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। मेरा कचौड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गया। तो हमारा ब्रेकफास्ट अभी बन गया है, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी होता है। इस सीजन का हम लोग पहले बार बनाए हैं, मतलब हमेशा ही बनते रहते हैं विंटर में हमारे घर में, तो इस सीजन में इस बार आज पहली बार है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये सोम का है, सोम अभी आ रहे हैं खाने। इसको यहाँ पे लगा दिया, अभी देखते हैं आते हैं कि नहीं कबूतर, क्योंकि इधर पानी भी रखा है एक कटोरी में, तो ये पानी पीने आएगा तो खाना भी खा सकता है, इसलिए लगा दिया इसको इधर। ये देखिए मैंने इसके अंदर कुछ दाने भी डाल दिया है, अब देखते हैं खाना खाने आते हैं कि नहीं। आएगा बैठेगा तो मैं वीडियो शूट कर पाऊँ तो दिखाऊंगी आपको। एक दो दिन लगेगा, मतलब वो सारे बार्ड्स को भी जानना है ना इसमें क्या है, डर तो लगेगा पहले एक दो दिन लगेगा आने में, फिर आएगा जब तब मैं कोशिश करूँगी इसका एक शूट करके लगाने का। देखती हूँ पहले इतना सही है। इसके पापा को मैंने बोला है और भी बाजरा ले आए, तो फिर मैं डाल के डाल दूँगी पूरा ऊपर तक। और इतना सारे गिलहरी वगैरह इधर आते हैं, गिलहरी आते हैं वो भी पानी पीने आते हैं, गिलहरी वगैरह और कबूतर तो आते ही हैं। इसी से ही चलता है मेरा पूरा दिन, ये देख देख के टाइम पास हो जाता है बहुत अच्छी तरह से, मतलब मन खुश हो जाता है सच में। वो टीवी सीरियल देखने से अच्छा ये सब नेचर देखो, नेचर में जो जो हो रहा है वो सब देखो तो अच्छा लगता है। थैंक गॉड मेरे घर के आसपास इतने सारे ग्रीनरी है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो मुझे देखने का मौका मिल रहा है। और मुझे ना ये सब देखना बहुत मन खुश हो जाता है, जब मूड खराब हो
कुछ भी हो तो इधर आके बैठे रहती हूँ, बालकनी में खड़े रहती हूँ या रूम से भी सोफे में बैठ के, देखिए इधर मेरा सोफा है तो उधर बैठ के बाहर देखते रहती हूँ तो अच्छा लगता है देखने में। और ये कपड़े मैंने कल का धो दिया है, अभी तक सूखा नहीं, थोड़ा थोड़ा गीला है, अभी सूख जाए आज फिर शाम को उठा लूँगी। ये मोटा मोटा स्वेटर वगैरह है ना, ये सूखने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ये हाथ के साइड में ये सब जगह गीला है तो अभी आज ही शायद सूख जाएगा। आज देखती हूँ, आज पूरा दिन धूप थोड़ा है, धूप इस पहले बालकनी में मेरा सुबह के टाइम धूप आता है तो धूप में रख दिया, सूख गया है अभी जितना है, थोड़ा सा गर्म है मौसम इधर तो हो जाएगा, सूख जाएगा बाकी। और दूसरे बालकनी में उधर थोड़ा सा मतलब 1 बजे के बाद आता है धूप, लेकिन अभी इतना सारे कपड़े ले जाके उधर लगाओ उस सर्चे इधर ही रहने तो मौसम थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा गर्म गर्म है ना तो सूख जाएगा जितना गीला है। देखिए और ये 2-3 और भी ये कचौड़ी बच गया है, ये बाद में खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगता है, गरम गरम का एक टेस्ट होता है लेकिन थोड़ी देर बाद या थोड़ा सा बासी करके खाओ ना तो और भी ज्यादा टेस्ट लगता है, तो मैंने रख दिया, शाम को जब चाय पियेंगे चाय के साथ खा लेंगे, सब्जी भी बचा हुआ है इतना सारा तो इसके साथ खा लेंगे। और लंच में ना ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, लंच में कल मैंने पनीर का सब्जी रात को बनाया था तो पनीर के सब्जी से शाम का हो जाएगा, और कल दिन में मैंने एक सीम का होता ना सीम आलू की एक सब्जी बनाया था वो है थोड़ा सा, और सिर्फ फिश बना लूंगी मछली ये है बस, इसका माचन झोल बना लेंगे बस इसी से ही हो जाएगा, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेवी हो गया ना, दोपहर में थोड़ा सा लाइट करके खाना है। ब्रेकफास्ट के बाद जितना भी बर्तन हुआ था वो सारे धो के झाड़ू वाड़ू करके फिर मैं आई हूँ अभी किचन में, तो मैं सिर्फ माचन झोल और भात ही बनाना है, भात मतलब चावल, तो अभी जल्दी से ही बना लेंगे। और देखिए ये कल मैंने सारे सब्जी लेके आया था, ये सब्जी धो के ऐसे सूखने के लिए रख दिया, तो अभी ये सूख गया है तो इसे अभी फ्रिज में रख दूंगी। ये जो मटर सोहम को मैंने मटर जो छीला वो कल रात को ही मैंने धो के रख दिया था, आधा इधर रख दिया और आधा मैंने सोहम को रख दिया था, उसने ही छील के दिया था। ये मटर छीलने में बहुत टाइम लगता है तो मैंने रात को ही जो उसको बोला कि तुम छील के रख दो, सुबह अच्छे से एक कचौड़ी बनाएंगे, तो अगर सुबह उठ के मैं वो छीलने लग जाऊँ तो और भी लेट हो जाएगा। और बीच में क्या हुआ था पता है, मैं कचौड़ी के लिए जो मिक्सी जब चलाने जाने मतलब मिक्सी में जब दिया वो बॉईल करने के बाद, हल्का सा बॉईल करने के बाद कि मिक्सी में अभी थोड़ा सा पेस्ट करना है वो जो मटर को, तो जब देने गई तब लाइट ऑफ हो गया है, तो लाइट ऑफ हो गया अभी मिक्सी कैसे चलेगा, फिर भी आधा घंटा तक मुझे बैठे रहना पड़ा, तब तक मैंने आलू का सब्जी बना लिया था तो फिर आधा घंटा मुझे और भी लेट हो गया था, इसलिए फिर खाना भूख भी लग गया सुबह, मतलब हम लोग 9:30-9:30 के अंदर ही ब्रेकफास्ट करते हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट किया कि वीडियो शूट करते करते अगर वीडियो करते करते कुछ बनाओ ना और भी था थोड़ा सा लेट होता है कि कैमरा सेट करो ये करो, लेकिन और इसके ऊपर लाइट भी ऑफ हो गया, फिर मिक्सर भी कैसे मैं बना रही हूँ फिश करी और चावल, बस उसके बाद जाऊँगी नहाने के बाद पूजा करके फिर हम लोग लंच कर लेंगे। अभी 12:30 बज गए हैं तो शोम का भी क्लास चल रहा है तो जल्दी से अभी खाना बना लेते हैं, और ये वीडियो और ज्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, आज का वीडियो फिर इतना तक ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए आए हो चैनल पर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सब लोग खुश रहिए, सब लोग हैप्पी रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।